डायरेक्टर सूरज बड़जात्या की फिल्म हम साथ साथ है सुपरहिट साबित हुई थी। इस फिल्म में जॉइंट फैमिली के बारे में दिखाया गया था, जिसकी वजह से इसे काफी पसंद भी किया गया था। फिल्म में सलमान खान, सैफ अली खान, मोहसिन भेल, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, करिश्मा कपूर और नीलम कोठारी अहम भूमिका में नजर आए थे। पर क्या आपको पता है कि माधुरी दीक्षित को ये फिल्म ऑफर हुई थी? इसमें हम आपके हैं कौन की सलमान माधुरी की जोड़ी एक बार फिर नजर आने वाली थी, मगर माधुरी ने इसमें काम करने से मना कर दिया था। जी हाँ, माधुरी दीक्षित और सलमान खान के साथ में हम आपके हैं कौन में काम कर चुके थे। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन माधुरी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने सलमान की वजह से हम साथ साथ हैं में काम करने से मना कर दिया था। एक इंटरव्यू में माधुरी दीक्षित ने इस बात का खुलासा किया कि उन्हें हम साथ साथ हैं में रोल ऑफर हुआ था। माधुरी ने बताया कि सूरज बड़जात्या ने उन्हें फिल्म में रोल ऑफर किया था। उन्हें तब्बू का साधना का किरदार ऑफर हुआ था। माधुरी ने बताया था कि करिश्मा और सोनाली का रोल भी वह कर सकती थी, लेकिन सूरज को लगता था कि वह उनके लिए सूटेबल नहीं था। माधुरी ने आगे बताया कि उन्हें लगा था कि हम आपके हैं कौन में सलमान खान की प्रेमिका का रोल निभाने के बाद अब भाभी का किरदार निभाना मुश्किल होगा। उन्हें लगा कि ये ऑडियंस को ठीक नहीं लगेगा। माधुरी ने बताया कि फिल्म में एक सीन था जिसमें सलमान को तब्बू के पैर छूने थे और गले लगना था, इसलिए उनके बीच भाभी देवर वाली फीलिंग होनी चाहिए थी। माधुरी ने आगे कहा, अगर आप स्क्रीन पर सलमान को मेरे पैर छूते देखेंगे तो थिएटर पे बहुत अजीब लगेगा। ये इसी वजह से क्योंकि हम आपके हैं कौन लव स्टोरी थी मेरे और सलमान खान की। हम साथ साथ है की बात करें तो इस फिल्म को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया था। फिल्म की स्टोरी से लेकर हर गाने की तारीफ हुई थी। इस फिल्म के गाने आज भी काफी पॉपुलर हैं।